अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इटली उर्दू चैनल में सभी सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है ये वीडियो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम लोग ये जो है अपडेट देखेंगे कि किस किस सिटी में कितना जो है वो काम हो चुका है इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट आ रही हैं और बहुत जो है वो प्रेफेक्चर से अपॉइंटमेंट लोगों के घर में जो है वो पहुँच चुकी हैं। आज हम नए सिटीज़ शामिल करेंगे, कुछ जो है जिनकी अपडेट मैं पहले नहीं दे सका और कुछ जो है जिनकी मैं अपडेट पहले दे चुका हूँ, उनकी सिटीज़ की जो है वो नई अपडेट आई है मेरे पास, तो वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से जो है बहुत सारे लोगों के पास वीडियोज़ जो है वो पहुँच जाती है और उनको जो है वो हौसला होता है। अपने जानने वाले जो कि इटली में मौजूद हैं उनके साथ शेयर जो है वो ज़रूर किया करें, क्योंकि लोगों तक जब अपडेट पहुँचते रहेंगी तो बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे तसल्ली मिल जाती है। तो पहली जो हम लोग बात करेंगे वो इम्पीरिया की है। इम्पीरिया की जो मेरे पास अपडेट आई है वो रिकेस्ता कस्तूरा पे है। इसकी जो है वो कस्तूरा भी जांच पड़ताल जो है वो कर रहा है, लेकिन ये जो दुमांदा है ये दुमांदा जो है वो 17 जुलाई को हुआ था, इसलिए अभी इनके पास इनकी जो है वो ये अपडेट आ रही है। अगली अपडेट जो है वो बलोनिया से है। बलोनिया की DPL की जो है वो रिकेस्ता में DPL में है कि जो कि दिक्रेतो लॉन्च हुआ था ये इस वाला इमिग्रेशन का, उससे रिलेटेड ये अपडेट है कि दुमांदा करने के बाद इनके जो मुतलका जो करीब का जो स्पोर्टल है उन्हीं को इमिग्रेशन का ऑफिस है वहाँ पर जो है वो इनकी फाइल को शिफ्ट कर दी जाएगा उनके प्रवेंचा में जो है। तो उसके बाद अगली जो अपडेट है वो ये रूमा की है, ये स्पोर्टलो की है कि जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाए थे उसका नाम लिखा हुआ है, उस जो रिके दंता था उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए गए हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा जिसका जो दुमांदा हुआ था किस्ता कुनवकसियों ने रिके दंते जिसने जो है दुमांदा किया था उन दोनों के डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हुए है रूमा से। तो ये जो अपडेट है ये रूमा की है। अगली जो अपडेट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पाविया की अपडेट है, ये भी रिकेस्ता ETL पे है। इनातेस अदल पर ये जो काम करने वाला इंस्पेक्टर होता है उसकी जो है वो अंडर में अभी तक ये एप्लीकेशन जो है वो चल रही है। उसके बाद अगली अपडेट जो है वो विचेंजा से है। विचेंजा में जो रिकेस्ता कस्तूरा है, ये रिकेस्ता कस्तूरे वाला जो दुमांदा है विचेंजे का, ये 12 अगस्त को जो है वो अप्लाई किया गया था, ये उसकी अपडेट है। इसके साथ साथ जो है वरेसे की अपडेट है हमारे पास, कन्विकसियों ने अमेरिसियों ने मतलब के अभी तक कभी नहीं कन्विका तो लतोरे लवरत हो रहे कि जल्द ही जो है वो काम करने वाले वर्कर के पास और मालक जो है जिसने पेपर जमा करवाए हैं उन दोनों में से किसी एक के पास जो है वो लेटर पहुंच जाएगा। तो अगली अपडेट जो है वो परातों से है। परातों में जो अपडेट दिखाई दे रही है आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर कि ये भी लेटर जो है वो अनकरीब जल्द ही जो है मालक के पास या वर्कर के पास जो है वो पहुँच जाएगा। ये परातों की अपडेट थी। मोदना इसमें शामिल किया गया है जो आज की अपडेट है, उसमें रिकेस्ता ETL इनतेसा दलपरेटा ये जो इसमें वेरिफिकेशन चल रही है वो अभी तक काम वाला इंस्पेक्टर जो है उसकी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। इसमें साथ साथ मैं आप लोगों को एक अच्छी गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा इस टाइम के दौरान जो है वो प्रेफेक्चर की अपॉइंटमेंट मौसूल हो रही हैं लोगों को। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ तो हमारी जो है वो ईमेल एड्रेस आप लोग जानते ही होंगे, तकरीबन अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि इसरार अहमद 1230 जो है gmail.com इस पर आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जो है देख के उनको भी हौसला हो जाए। आप अपने सिटी का नाम जो है वो ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि इस सिटी में इस बंदे को इस डेट को जो है वो दुमांदा किया था और मेरी ये अपॉइंटमेंट आई है वो जो है वो दूसरों के साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद अगली अपडेट जो शामिल करते हैं वो अपडेट जो है वो त्रेविजो की है। त्रेविजो की जो अपडेट है ये भी रिकेस्ता ETL में है कि इसमें जो काम करने वाला इंस्पेक्टर जो है वो जो है इसको चेक कर रहा है, उसके वेरीफाई करने के बाद जो है वो आगे प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अगली जो अपडेट है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये वेरोना की अपडेट है। वेरोना ये जो है ये भी रिकेस्ता ETL पर चल रहा है। ये जो है ये काम करने वाला जो इंस्पेक्टर होता है उसने जो है उसकी चेकिंग में चल रहा है अभी तक। उसके बाद तोरिनो की बात करते चलें, तोरिनो का जो नोटिफिकेशन है वो रिजेक्शन का नोटिफिकेशन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगली अपडेट हम लोग शामिल करते हैं कि पाविया से है। ये पाविया से जो अपडेट है ये भी जो है ये रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये रिजेक्ट जो है वो काम करने वाले इंस्पेक्टर ने की है।
साथ ही साथ प्लेरमो की अपडेट है, प्लेरमो की ये लोग आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिक्वेस्टा कस्तूरा अभी तक ये जो अपडेट है जो जिस डेट की हम लोग आपको बता रहे हैं ये जो है वो कस्तूरा में चल रही है अभी तक, इसकी अभी कस्तूरा वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके बाद अपडेट है कि बेरगामो की है, बेरगामो में जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जल्द ही जो है मालिक को लेटर जो है वो वसूल हो जाएगा, मालिक को या फिर वर्कर को जल्द ही जो है वो इमिग्रेशन का लेटर वसूल हो जाएगा। उसके बाद ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, ये वरेसे का है, 2/2/2021 को जो है इसका जो अपॉइंटमेंट का ये जो लेटर आया था उसमें जो है वो लिखा गया है, ये जो इसको रिजेक्ट नहीं किया गया लेकिन इसको टाइम दिया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दुमानदा दी मेरेसियो ने पर रिपोर्ट दिलावोरों के ये जो AX810 का जो इसमें नेगेटिव का ऑप्शन लगता है वही उसमें शामिल किया जा रहा है AX8 का। तो इसमें लिखा गया है कि 27,000 जो कूद है 2019 की वो लाजमी चाहिए, उसके बिना जो है आप नहीं कर सकते और ये 20 दिन के अंदर अंदर जो है इसको जो आपने दुमानदे का रिप्लाई करना है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वरेसे से अपॉइंटमेंट का जो है वो एक बंदे ने शेयर किया है। तो इस तरीके का फार्म जिसको मौसूल होगा तो वो अपना जो है वो चेक कर ले कि 27,000 का अभी भी मसला चल रहा है। ये अपडेट फिर देखते हैं तो पाविया से है, पाविया से जो है ये भी रिजेक्शन का नोटिफिकेशन है। इसके ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो EX8DHE लिखा हुआ रहा है और ये भी काम करने वाला जो इंस्पेक्टर होता है जिसने कि आपकी छानबीन करनी होती है सारा वो देखना होता है काम के सिलसिला और काम के मामला, उसने जो है वो इसको रिजेक्ट किया है। तो इसलिए इसके बारे में वकीलों का भी कहना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ये इशू जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। कन्विकसियों ने ये मोदना की अपडेट है, यहाँ पर भी जो है वो जल्द से जल्द काम करने वाले वर्कर को और मालक को जो है वो लेटर मौसूल हो सकता है। उसके बाद अगली जो है वह परुजा से है, ये परुजा से इसमें भी अपडेट है कि जल्द से जल्द जो है वो मालिक को या काम करने वाले वर्कर को जो है वो लेटर पहुंच जाएगा। तो इसलिए परुजा वाले भी जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें क्योंकि काम इमिग्रेशन का तकरीबन हर सिटी में इटली के जो है वो शुरू हो चुका है और मैं भी तकरीबन कुछ 40 से 50 सिटीज़ के जो है वो नाम और उनकी अपडेट जो है वो आप लोगों को पहुँचा चुका हूँ। आप लोग जो है बाकी पहली वीडियोज़ में भी देख लिया करें, कोशिश करके आप लोग कमेंट्स करते हैं लेकिन कमेंट से पहले आप कोशिश करके वीडियो को पूरा देखा करें तो तब जो है उम्मीद है आप लोगों के मुतलक सिटीज़ की अपडेट कोई ना कोई आपको वीडियो में से मिल जाएगी और अगर नहीं भी मिले तो आप कोशिश करके पहले वाली कोई वीडियो जो है उसमें सर्च करने की कोशिश क्या करें क्योंकि मैं बार बार जो वीडियो बनाऊँगा तो लोग जो है वो बोर हो जाएंगे। उसके बाद अगली अपडेट है फौजा से है, ये रिक्वेस्टा कस्तूरा में है और ये जो अपडेट है ये आप लोग नीचे इस बंदे का थोड़ा बहुत नाम और वो भी शो रहा है। इस बंदे ने भी अपडेट ये जो है अप्लाई किया था वो जुलाई के लास्ट में किया था फौजा में। उसके बाद फोरली की अपडेट है, फोरली की अपडेट जो है वो भी वो जो पहले हम लोग जैसे कि देख सकते हैं कि उनके स्पोर्टल उनको मिग्रासियों ने जो है वो जल्द से जल्द उनके प्रवेंचा में जो है वो जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पाविया की अपडेट है, पाविया की दुमानदा करने के बाद की अपडेट है कि उसको जो इनको जो है वो स्पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्शन का जो जल्द से जल्द लेटर मिल जाएगा। जब रिजेक्शन हो जाती है तो इस तरीके का जो है ऊपर बिल्कुल जिसको कि हर किस्म की या ज़्यादा जो जिसको आप समझ लें कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर जिसको आप समझ लें कि टेररिज्म में या जिसको फोलियो दिव्या मिल चुका होता है इस तरीके के जिसका रिजेक्शन लगता है उसका बिल्कुल जो है प्रोसीजर ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर लिख के कि किसकी वजह से जो है उसको रिजेक्ट किया गया है, वर्कर की वजह से रिजेक्ट किया गया है या मालक की वजह से रिजेक्ट किया गया है। अगली अपडेट जो है वो बेरगामो से है कि वेनी कन्वकात लतोर लावोरो के जल्द से जल्द जो है इनको भी लेटर मौसूल हो जाएगा। और उसके साथ पिस्तोया की अपडेट है, सिटी पिस्तोया का आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर जो है वो कस्तूरे ने ही नेगेटिव कर दिया, कस्तूरे ने प्रोसीजर जो है वो आगे नहीं चलने दिया। साथ कसेरता के मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे, कसेरता के बारे में भी सुन लें, कसेरता वाले का रिक्वेस्ट था कस्तूरा के कस्तूरे के अंदर अभी जो है ये प्रोसीजर रहा है। और ये जो अपडेट है ये जुलाई की 7 तारीख की अपडेट है कसेरता वालों की, तो इसलिए कसेरता वालों को भी थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट जो है वो बलोनिया से है कि बलोनिया की जो है वो भी जल्द से जल्द अपडेट आने वाली है इस बंदे के बाद जिसने जो दुमानदा किया हुआ है। अगली अपडेट है वो कोमो सिटी से है, इटली का कोमो सिटी है, वहाँ से है कि दत्त ETL ये रिकेदंते चल रहा है कि जिसमें कि काम वाला जो इंस्पेक्टर है उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट
गवर्नमेंट जो है वो इनसे मांग गया, वो काम का कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकता है। अगर वो काम का कॉन्ट्रैक्ट मांग दे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वो लिख के सेंड करता है कि आपने उन्हीं लाभ चंद्र लिम्पेगो से रजिस्टर करवा के वो सेंड करना है। ये अपडेट जो है वो फरारे वालों के लिए है कि इमिग्रेशन जो जमा करवाई थी उन्होंने लिखा है कि अपना नोमे कन्योमे सब कुछ इसके अंदर जो है वो लिखने के बाद साथ में आपने इसके जो है कंत्रातो दी लावोर अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी और उन्हीं लाभ जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चंद्र लिम्पेगो से आपने रजिस्टर करवाना है और कॉपी आदि परमेश्वर दी सजोरनो के मतलब के अपने जो परमेश्वर दी सजोरनो है तेम्पिरानियो जो आपने जमा करवाई है अब उसके साथ आपने पुराना जो है वो प्रूफ भी लगाना है अपनी परमेश्वर दी सजोरनो की। लेकिन ये जो है ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने कोमा दुए की इमिग्रेशन जमा करवाई थी ये वो लोग जो है वो इसको फिल करके अपना सेंड करेंगे। इसके साथ जनवा से अपडेट है कि रिक्वेस्ट था कस्तूरा, जनवा में भी जो है अभी कस्तूरे का बहुत ज़्यादा जो दुमानदों का वो प्रोसीजर चल रहा है। और साथ ही साथ अगली जो अपडेट है वो रवेना सिटी से है, इटली का रवानिया सिटी है, वहाँ उसकी है कि अभी जो है इसको जो काम करने वाला या जो इंस्पेक्टर है उसने जो है वो डॉक्यूमेंट्स तलब किए हैं। आप लोग ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये त्रेमो की है, ये 7/1/2021 की जो है वो अपडेट है। इसके अंदर जो है उन्होंने बोला गया है कि ये कोमा ऊनो का जो दुमानदा किया था जो कि घर का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें उन्होंने इस दुमानदे को जो है वो उन्होंने नेगेटिव कर दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ कि जब दुमानदा जो है वो नेगेटिव हो जाता है जैसा कि ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है इसी तरीके से जो है वो दुमानदा नेगेटिव होने के बाद जिस बंदे ने किया होता है उसका भी और मालिक का भी जो है वो नाम नीचे लिखा हुआ आता है कि किस वजह से और कहाँ पर जो है वो दुमानदा नेगेटिव हुआ है। ये 7/1/2021 की अपडेट है तेरामो की, इसको जो है वो नेगेटिव कर दिया गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अगली जो अपडेट है वो फिर एक दफ़ा बारी से है, बारी की मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूँ। वेरिफिका दा तिल तिल ये जो काम करने वाला जो वर्कर है उसकी और मालिक की जो है वो वेरिफिकेशन चल रही है, जल्द से जल्द जो है इसकी भी अपडेट आने वाली है। ये साथ ही अपडेट है जो ये रिमनी की है, ये रिमनी सिटी है इटली का, उसकी है रिक्वेस्ट था ETL के इसको भी जो है वो काम वाला इंस्पेक्टर जो है चेक कर रहा है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करके अपना काम का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तकरीबन 80% जो केसेस हैं वो काम करने वाले इंस्पेक्टर के होल्ड में है, इंस्पेक्टर के हाथ में है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कस्तूरे में अगर आपका क्रिमिनल केस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी तो फिर इसके पास जाएगा, ये जब आपको क्लियर करेगा तो फिर इसका प्रोसीजर जो है वो आपका बाद में आगे चलेगा। साथ ही अपडेट जो है वो जनवा की है, जनवा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये भी जो है ये कस्तूरे ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये दुमानदा जिस बंदे ने भी किया था इसमें भी AX8 THE का जो है वो ज़रिए जो है वो इसको रिजेक्ट किया गया, जो भी ये कानून है उसके ज़रिए इसको रिजेक्ट किया गया है। अगली अपडेट जो है वो ये रिमनी की है, स्पोर्टल उन्हीं का इमिग्रेशन की तरफ से लेटर आ हुआ है, उसमें जो है वो काम करने वाले जो बंदा काम कर रहा है उससे जो है अलोजो मांगी गई है कि आप लोग अपनी अलोजो लेके आए, उसके बाद सर्टिफिकेट, तो ये नीचे भी जो है वो अलोजो का ही लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो रिमनी वाले जो है वो अलोजो भी मांग रहे हैं। तो ये 25 जनवरी की जो है 2021 की अपडेट है। तो अभी तक यही अपडेट थी, मज़ीद अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करें ताकि मैं आप लोगों के लिए नई जो है वो अपडेट लेके आता रहूँ। कुसंदा के बारे में बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछ रहे हैं और जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।